हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन एंड हेल्दी। ऑल राइट, सो क्लास, एज यू नो, वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्लाइमेट। ओके बच्चे, इस चैप्टर में अब तक हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में, द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करती हैं, इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। ओके, इसमें हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स, कि कैसे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के सेंटर से पास होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लाइमेट कुछ और होते हैं, यहाँ पर कुछ और होते हैं। ओके इसके बाद हमने देखा ऑल्टीट्यूड्स हैं हमारे पास। ऑल्टीट्यूड्स में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो इंडिया है, एक ही लैटिट्यूड पर अलग अलग प्लेसेस, क्योंकि वो अलग अलग ऑल्टीट्यूड पर हैं, मींस कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, इनमें क्या आ जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लाइमेट भी वेरी करता है। मींस सेम लैटिट्यूड पर होने के बावजूद भी, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स, यहाँ पर क्या होता है, क्लाइमेट डिफरेंस हो सकते हैं। ओके इसके बाद हमने देखा जेट स्ट्रीम्स के बारे में। ओके कि हमारे पास कैसे वेस्ट साइड से जेट स्ट्रीम्स आती हैं, ऑल राइट, और वो यहाँ पर इस तरह से फ्लो करती हैं। कैसे फ्लो करती हैं बच्चे, समर्स में यहाँ पर हमारे पास हिमालयस होती हैं, तो समर्स में वो क्या होती हैं, नॉर्थ टू द हिमालयस, विंटर्स में वो होती हैं साउथ टू द हिमालयस। क्या होती हैं जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, दीज आर द हाई स्पीड विंड्स, ऑल राइट, दैट ब्लो इन विंटर सीजन। इंडिया में ये विंटर में ब्लो करती हैं, समर्स में तो क्योंकि ये नॉर्थ में चली जाती हैं इंडिया के ऊपर। ओके तो ये चीज़ें। इसके बाद बच्चे हमारे पास होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसमें हमने देखा था लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। यहाँ पर हमने देखा था कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं, जो सी होती है उसको भी टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों में प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से विंड्स पहले सी टू लैंड मूव करती हैं, रात को वो क्या करती हैं, लैंड टू सी मूव करती हैं। ओके तो इस तरह से आपका जो ये चीज़ें किसी भी जगह के क्लाइमेट को, या फिर अगर हम बात करें इंडिया के क्लाइमेट को, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ओके तो बच्चे अब हमने क्या करना है, जो हमारा आज का टॉपिक है उसके, अगर हम उसकी बात करें, आज के जो हमारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंडियन मॉनसून के बारे में। वी विल टॉक अबाउट द इंडियन मॉनसून। ये वो टाइम होता है बच्चे जब इंडिया में क्या होती है, रेन होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन मॉनसून क्या होता है, मॉनसून क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम वो टाइम जब इंडिया में रेन होती है, दैट इज़ अ मॉनसून। लेकिन बच्चे इंडिया में जो दो तीन मंथ, इन टू थ्री मंथ जो रेन होती है ना, वो ऐसे ही नहीं हो जाती कि बोल दिया कि रेन हो गई और रेन हो गई। इसके लिए ना हमें बहुत सारा एक ऐसा पूरे का पूरा मीन्स टू से बनाना पड़ता है, मैकेनिज्म बनाना पड़ता है, ताकि यहाँ पर रेन हो। ऑल राइट, बहुत सारी फोर्सेस मिलकर अपना काम करती हैं, तब जाके इंडिया में भारी भरकम रेन होती है। ऑल राइट, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया में क्या करवाती हैं, बारिश करवाती हैं, उन सबको हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में देखेंगे, अंडर द टॉपिक इंडियन मॉनसून। ओके तो बच्चे इसमें हमने करना क्या है, जो भी सारी चीज़ें अब तक हमने पढ़ी हैं, एक एक पॉइंट, उन सबको यहाँ पर आके हमने मिक्स कर देना है। हम सबको क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके फिर देखेंगे कि कैसे एक एक चीज़ अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है टुवर्ड्स अ क्लाइमेट। ऑल राइट, सो फर्स्ट बच्चे इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट इज द डिफरेंशियल of heating and cooling of land and sea। इसमें क्या होता है,
डिफरेंस आ जाता है बच्चे हमारे पास हीट और सॉरी जो लैंड और सी है उनकी हीटिंग और कूलिंग में जब हमारे पास डिफरेंस आ जाते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, अलग अलग प्रेशर जोन बनते हैं, कहीं पर लो कहीं पर हाई। तो जब एक जगह पर लो बनेगा एक जगह पर हाई बनेगा, आपको पता है विंड्स कैसे मूव करती हैं हाई टू लो, तो विंड्स को क्या मिल जाती है बच्चे, इससे डायरेक्शन मिल जाती है कि उन्होंने किस जगह पर मूव करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, एज़ यू नो इस तरह से हमारा इंडिया है, यहाँ पर हमारे पास सी है, दिस इज़ लैंड। ओके, तो हमारे पास बच्चे डे टाइम में क्या होता है, इन समर्स अगर हम बात करें डे में हमारे पास क्या होते हैं, लैंड बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं, यहाँ पर क्या बनता है लो प्रेशर, सी में क्या होते हैं हाई प्रेशर होते हैं, तो विंड्स मूव करती हैं इस तरीके से, ऑल राइट। और रात को ये विंड्स कैसे मूव करती हैं, यहाँ पर रात को बन जाता है लो प्रेशर, यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर, तो इस तरह से। ओके, मीन्स टू से हमने बच्चे जो भी करना है इस पूरे के पूरे टॉपिक में, हमने ये करना है कि हमने इंडिया के, अगर ये मेरे पास दिस इज़ माई इंडिया, यहाँ पर मैंने लो प्रेशर बनाना है बहुत सारा, यहाँ पर मैंने बहुत सारा हाई प्रेशर बनाना है, विंड्स इस तरह से जब मूव करेंगी यहाँ पर बहुत सारा लो प्रेशर हो जाएगा, तो वो क्या करेंगी अपने आसपास के एरिया से बहुत सारी विंड्स को अट्रैक्ट करेंगी अपनी तरफ, और वो सारी मिलकर क्या करेंगी यहाँ पर बारिश करवाएंगी। ठीक है, तो इन जनरल हमने सब पॉइंट्स में जो भी हम स्टडी करेंगे उसमें हमने करना ये है कि हमने यहाँ पर लो प्रेशर बनाना है, यहाँ पर हाई बनाना है। अब आप देख सकते हो कि हम ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं, यहाँ पर मेरा लो प्रेशर यहाँ पर हाई प्रेशर ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला हमारा। ठीक है, इससे बारिश नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ डे टाइम में है, रात को फिर से उल्टा हो जाएगा। ओके, इसके लिए हमें चाहिए बहुत सारा लो प्रेशर बहुत लंबे टाइम के लिए। एक चीज़ तो ये होती है हमारे पास कि थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, ओके, लेकिन ये सिर्फ 5% होता है, बाकी की चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे वो अपना काम करती हैं। दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि वो चीज़ कैसे अपना काम करती है। ओके, तो सेकेंड बच्चे हमारे पास है द शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। तो बच्चे ये ITCZ क्या होता है, सबसे पहले ITCZ होता है बच्चे इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन ये कहाँ पे बनते हैं। आपको पता है बच्चे हमारे जो मान लीजिए ये मेरी अर्थ है पूरी, यहाँ पर मेरे पास इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये मेरे पास सन है। इक्वेटर पर सन की बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल रेस जब पड़ती हैं, कब पड़ती हैं, मार्च में, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो जाते हैं। पूरे अर्थ पर कहीं भी इतना लो प्रेशर नहीं होता जितना इस इक्वेटर पर होते हैं। ठीक है, और जो ये ITCZ है वो कहाँ पर बनती है बच्चे, ये एक बेल्ट होती है, किसकी बेल्ट होती है, दिस इज़ अ बेल्ट ऑफ लो प्रेशर, ये बेल्ट होती है लो प्रेशर की, क्योंकि लो प्रेशर आपका इक्वेटर पर बन रहा है, तो जो ये हो ITCZ वाला जोन होगा ये कहाँ पर बनेगा, इक्वेटर पर बनेगा इस तरह से थोड़ा सा उसके ऊपर, ऑल राइट, क्योंकि सन की बिल्कुल वर्टिकल रेज यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन अब क्या होता है, जो हमारी अर्थ है बच्चे वो रोटेट करती है, किस तरह से, ये मेरा सन है, इस तरह से अर्थ रोटेट करती है, कैसे, मान लीजिए इन द मार्च में अर्थ यहाँ पर है, दिस इज़ इक्वेटर, सन की बिल्कुल सीधी वर्टिकल रेज इक्वेटर पर पड़ रही हैं, दैट्स वाई यहाँ पर क्या है बच्चे, जो आपका ITCZ जोन है वो कहाँ पर है, इक्वेटर पर है, मीन्स सबसे ज़्यादा लो प्रेशर कहाँ, इक्वेटर पर होगा। ओके, हमने करना क्या है, हमने इंडिया में लो प्रेशर बनाना है, कैसे बनेगा, अब अर्थ क्या हो रही है रोटेट करके वो यहाँ पर आ गई है, मार्च था यहाँ पर आ गई है जून, जून में क्या होगा बच्चे, ये हमारे पास इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, सन की वर्टिकल रेज कहाँ पर पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से
इस टाइम पर जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सबसे ज़्यादा लो प्रेशर होते हैं, और ITCZ जोन है वो जो आपका इक्वेटर पर था वो शिफ्ट हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ऐसे ही आगे होगा आपका, यहाँ पर फिर से जो आपका ITCZ जोन है वो दोबारा इक्वेटर पर आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर दिसंबर में क्या होगा, जो ये आपका ITCZ जोन है वो कैप्रिकॉन पे चला जाएगा। ये चीज़ें हैं, लेकिन हमने बस इतना देखना है, हमने क्या करना है, इतना देखना है। इसमें मैंने आपको क्या बताया, जो आपका ITCZ जोन है वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा कहाँ से, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ओके। इतना आपने याद रखना है कि ITCZ जोन क्या कर रहा है, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर शिफ्ट कर रहा है। और ITCZ क्या होता है, लो प्रेशर एरिया होते हैं। अब हमारे जो मुद्दे की बात है बच्चे, वो क्या है कि जो आपकी कंट्री है ना इंडिया, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के सेंटर से पास होते हैं। मींस अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के सेंटर से पास हो रहा है, तो ITCZ जोन कहाँ पे है, यहाँ पर है। और ये कौन सा जोन है आपका, लो प्रेशर जोन है। मींस यहाँ पर आपका बहुत सारा लो प्रेशर बन चुका है। सेकेंड पॉइंट था ये हमारा, हमने यहाँ पर बहुत सारा लो प्रेशर बना दिया, किसको, ITCZ को शिफ्ट करके। थर्ड नंबर, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। मेडागास्कर क्या है बच्चे, मेडागास्कर एक आइलैंड है। कहाँ पर है ये, जो आपका कॉन्टिनेंट है ना अफ्रीका, उसके बिल्कुल थोड़ा सा पास में, लाइक एज दिस इज़ अफ्रीका, इसके बिल्कुल पास यहाँ पर एक आइलैंड है मेडागास्कर। इस मेडागास्कर पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने समझनी है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, दिस इज़ माई इक्वेटर। इक्वेटर बच्चे क्या होते हैं, कहाँ से पास करते हैं, जो ये अफ्रीका है ना इसके नॉर्थ से पास करते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा, यहाँ पर हमारे पास है इंडिया, ऑल राइट। यहाँ पर हमने बनाया हाई प्रेशर क्यों बना यहाँ पर बच्चे, क्योंकि जो ITCZ जोन है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ तो लो प्रेशर यहाँ पर है, हाई प्रेशर यहाँ पर होगा, क्योंकि ITCZ जोन ऊपर जा चुका है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है। अब यहाँ का लो प्रेशर क्या करेगा, इनको इस तरफ विंड्स को अट्रैक्ट करेगा। पहले हमने यहाँ पर लो प्रेशर बनाया, अब यहाँ पर हाई प्रेशर बनाया, अब विंड्स को हमने सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया इस तरफ, ठीक है। लो प्रेशर तो बच्चे यहाँ पर पहले भी बना हुआ था, जब हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज करा था, लेकिन वो जो लो प्रेशर था वो इतना ज़्यादा नहीं था कि वो क्या कर सके, बहुत सारी विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। वो हल्की फुल्की थोड़ी सी विंड्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा था, लेकिन हमने क्या करना है, बहुत सारी विंड्स को यहाँ पर लेकर आना है। अब जब ये विंड्स इंडियन ओशन के ऊपर से गुजर कर, यहाँ पर जो हमारा अरेबियन सी है उसके ऊपर से गुजर कर, अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेकर लो प्रेशर की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर और भी ज़्यादा लो प्रेशर बनाना है, यहाँ पर तो ऑलरेडी बन चुका है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, यहाँ पर हमने बहुत सारा लो प्रेशर क्रिएट करना है, ताकि वो अपने आसपास से क्या करे, बहुत सारी विंड्स को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, ओके। तो बच्चे हमने क्या किया, यहाँ पर हाई प्रेशर बना दिया। नेक्स्ट है बच्चे जो आपका नंबर फोर्थ, दैट इज इंटेंस हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू। ये क्या होते हैं, ये मेरा इंडिया है, यहाँ पर बच्चे मेरे पास हिमालयस हैं, इस तरह से हिमालयस के ऊपर यहाँ पर एक मेरे पास बहुत बड़ा प्लेट्यू है, जिसको हम कहते हैं तिब्बत प्लेट्यू।
जब आपकी जो ITC-Z जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ जाते हैं इस तरफ, तो बच्चे ये पूरे के पूरे एरिया को बहुत ज़्यादा क्या कर देता है, हीटेड अप कर देते हैं। अब जो ये आपका तिब्बतन प्लेट्यू है ना, ये प्लेट्यू आपको पता है बच्चे प्लेन्स हमारे पास इस तरह से होती हैं, यहाँ पर इस तरह से माउंटेंस होती हैं, तिब्बतन प्लेट्यू ना इतनी हाइट पर है। ओके, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये अपने सराउंडिंग एरिया से, इस वाले एरिया से काफ़ी जल्दी क्या हो जाएगा, हीटेड अप हो जाएगा इसको, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा मिलेगी। हम बच्चे आपने देखा होगा, हमें जब भी कुछ कपड़े सुखाने होते हैं हम क्या करते हैं, उसको धूप में ऊपर की तरफ रखते हैं, ताकि जब हम उसे ऊपर की तरफ रखेंगे वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर। तो जो ये वाला एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पर, ऑल्टीट्यूड पर होने की वजह से बहुत जल्दी हीटेड अप हो जाता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है, बहुत सारा लो प्रेशर बन जाता है, जो क्या करते हैं अपने आसपास से बहुत सारी विंड्स को अट्रैक्ट करते हैं हर तरफ से। लेकिन ये विंड्स अट्रैक्ट तो हो गई हैं, लेकिन इससे आगे नहीं जा पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर खड़े हैं बड़े बड़े हिमालयस। तिब्बतन प्लेट्यू ने क्या किया, विंड्स को तो अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन वो विंड्स यहाँ से पास नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर है हिमालयस। ये क्या करेंगे, इन हिमालय से टकराकर यहीं पर रेन करेंगे। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है बच्चे, इंटेंस हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू। अगर ये हिमालयस हमारे पास यहाँ पर ना हो, ये विंड्स सीधा यहाँ से पास करेंगे, कहाँ पर जाकर बारिश करेंगे, चाइना में। ड्यू टू दीज हिमालयस वी कैन ऑल्सो से इट रेन्स हेयर। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, आई होप बच्चे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, दैट आर द वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ये चीज़ें कैसे काम करती हैं वो हम देखेंगे। नंबर 5, जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स बच्चे क्या हैं, हाई वेलोसिटी विंड्स हैं दैट ब्लो इन विंटर्स, जो क्या करती हैं विंटर्स में ब्लो करती हैं। कहाँ से आती हैं, ये वेस्ट साइड से आती हैं, इसलिए हम इनको वेस्टर्लीज भी बोलते हैं। यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या है, मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से ये मेरा इंडिया, यहाँ पर मेरे पास हिमालयस हैं, यहाँ से विंड्स इस तरफ आएंगी इन द विंटर सीजन, विंटर में वो यहाँ पर रहेंगी। ओके, मैंने आपको बताया था विंटर्स में हमारे यहाँ पर बारिश क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वाली जेट स्ट्रीम्स हैं, तो ये किसी और विंड को अपने साथ यहाँ पर नहीं आने देती, मॉनसून विंड्स को ये यहाँ पर नहीं आने देती। अगर वो यहाँ पर आएंगी भी तो ये अपने साथ इनको बहा के ले जाएंगी। ओके, अपने साथ ही इनको ऐसे बहा के ले जाना है इन्होंने। समर्स में क्या होता है, जो ये जेट स्ट्रीम्स है ना, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, ये क्या होती हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, नॉर्थ में चली जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है, एक वैक्यूम बन जाता है। और ये जो वैक्यूम होता है, खाली जगह होती है, ये आसपास से विंड्स को अपनी तरफ बुलाती है, अट्रैक्ट करती है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द जेट स्ट्रीम्स हेल्प नहीं करती हैं, लेकिन हमारे लिए एक ऐसा सिचुएशन बना देती हैं, ऑलराइट, कि बाकी के जो विंड्स हैं वो यहाँ पर आ सके। दिस इज़ अ फेस्ट रिलीज। ऑलराइट, तो बच्चे ये सारी चीज़ें थी हमारे पास। सो बच्चे, दीज ऑल आर द थिंग्स, जो भी हमने अभी तक 5 पॉइंट्स पढ़े, मिलकर क्या करती हैं, ये जो हमारा इंडिया है यहाँ पर बहुत सारा लो प्रेशर बन जाता है, यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, हर तरफ से जब विंड्स यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर हमारे पास होती है घनघोर बारिश। ऑलराइट, तो ये पूरे का पूरा फिनोमिनन है हमारे पास, किस चीज़ का, ऑफ द इंडियन मॉनसून। इतनी सारी चीज़ें मिलकर तिब्बतन प्लेट्यू अपना काम करता है, जेट स्ट्रीम्स अपना काम करती हैं, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज अपना काम करती है, तो जाके इंडिया में बारिश होती है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल द इंडियन मॉनसून। आई होप बच्चे आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया है कि सारी चीज़ें कैसी होती हैं। ओके, ध्यान से वीडियो को सुनिए, साथ साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए।
और ये वाला टॉपिक है जो आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने फर्स्ट थ्री टॉपिक्स को अच्छे से, जो आपके इसी चैप्टर के फर्स्ट थ्री पार्ट्स हैं उनको अच्छे से समझ लिया है। ऑल राइट, सो पहले आप उनको करिए क्योंकि ये आपकी एक सीरीज चलती आ रही है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। ऑल राइट, तो आपने इसको ऐसे ही सीरीज में समझना है। ऑल राइट, सो क्लास आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।